उसने मुझसे कहा कि क्या हुआ, मिल गया सुकून, चला गया मेरे पापा का मंत्री पद। मैंने कहा मंत्री पद जाने की मैंने कभी बात नहीं की थी। तो बोलता है कि सुन मेरी बात, जितना मेरे साथ बुरा होना था ना, जितनी मेरी इमेज ख़राब होनी थी वो हो चुकी है, इससे ज़्यादा बुरा करने का सोचना मत और ना ही सोच सकती है, क्योंकि जेल में नहीं जाऊँगा। मीडिया ट्रायल जितना होना था ना वो हो चुका है, इसके आगे मेरा कुछ नहीं हो सकता। महेश जी ने तो उनको कहीं छुपा नहीं रखा ना रोक रखा कि वो कहीं महेश जी ने उनको ही कर दिया कि वो नहीं मिल रहे। पुलिस उनको ढूंढ रही, जब भी वो मिलेंगे उनसे पूछताछ की जाएगी और जो सच होगा दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार के मामले देखने को मिलते हैं, घूसखोर के मामले देखने को मिलते हैं, पेपर लीक के मामले देखने को मिलते हैं, दुष्कर्म के मामले देखने को मिलते हैं। लेकिन आप सभी को बता दूं कि इसमें त्वरित प्रकार से कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक आज मैं आप सभी को ऐसी मामले से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसमें आप सभी को बता दूं कि मंत्री के बेटे का नाम शामिल है। जी हां, इस मामले से तो हम लगातार आप सभी को रूबरू करवा रहे हैं जिसमें राजस्थान की सरकार के अंदर मंत्री महेश जोशी के बेटे के ऊपर FIR दर्ज की गई है और यह FIR दुष्कर्म के मामले के अंतर्गत की गई है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि रोहित जोशी के ऊपर जो FIR दर्ज की गई है उसमें यह FIR जयपुर के अंदर दर्ज नहीं की गई थी बल्कि दिल्ली के अंदर 0 FIR दर्ज की गई थी और इसकी जांच भी दिल्ली में ही चल रही है। लेकिन जब दिल्ली की पुलिस यहां पर आती है जयपुर में और मंत्री के बेटे को साथ में ले जाने के लिए आती है तब मंत्री का बेटा उन्हें मिलता ही नहीं है, यानी कि रोहित जोशी फरार हो जाता है। यह फरार कहना इसलिए सही है क्योंकि ना तो वह पुलिस की पकड़ में आया और ना ही पुलिस की पकड़ में आने के बाद वह आगे उठकर के सरेंडर करने के लिए गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो जब लड़की से बातचीत हुई तो लड़की का कहना कुछ और ही सामने आता हुआ नजर आया है। लड़की का कहना इसमें यह था, जो अभी पीड़िता है उसका कहना, जिसमें आप सभी को बता दूं कि रोहित जोशी के सामने ही एक SHO ने उस महिला को थप्पड़ मारा है। जी हाँ, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात वह खुद कह रही है और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात भी कही है। साथ ही आप सभी को एक और बात बता दूं इसमें कि उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान की सरकार के अंदर मंत्री हैं महेश जोशी और उन्हीं के दबाव के चलते हुए अभी हाल फिलहाल इसके अंतर्गत त्वरित प्रकार से कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही रोहित जोशी का फोन भी इनके पास में आया था। रोहित जोशी ने इनको फोन पे कहा कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरी जितनी बेइज्जती आपको करनी थी आपने कर ली, बेइज्जती करने के बाद में आपने मेरा नाम जितना खराब करना था वह कर दिया है, लेकिन अब आगे आप कुछ नहीं कर सकती और मैं जेल भी नहीं जाऊंगा। क्योंकि रोहित जोशी का कहना इसमें यह सामने आया है कि इसमें मेरे को फंसाने की साजिश रची गई थी, जो भी कुछ हुआ वह आपसी सहमति से हुआ है और अगर आपसी सहमति से कोई चीज होती है तो वह अपराध नहीं होती। लेकिन यहां पर मामला दुष्कर्म का दर्ज है तो इसमें आपसी सहमति का कहीं कुछ लेना देना सामने आता हुआ नजर नहीं आ सकता। लेकिन रोहित जोशी का कहना है कि आपसी सहमति थी और आपसी सहमति के कारण ही ऐसी चीज हुई है। हाल फिलहाल ये सिलसिला कहां से शुरू हुआ था, कैसे ही फेसबुक के फ्रेंड बने थे, फेसबुक के फ्रेंड के बाद में यह सबसे पहले कहां पर मिले थे और उससे लेकर के अभी तक क्या कुछ बदलाव इसके अंदर देखने को मिले हैं, सीधा रूबरू कराएंगे हम आप सभी को हमारे इस रिपोर्ट में। राजस्थान के जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करी। याचिका में रोहित जोशी के खिलाफ में दर्ज हुआ है रेप का मामला हनी ट्रैप से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। याचिका में रेप के आरोपी रोहित ने दिल्ली सदर बाजार थाने में दर्ज FIR को रद्द करने की गुहार भी लगाई है। उन्होंने कहा कि फेसबुक के जरिए युवती से उसकी दोस्ती हुई थी, आपसी सहमति से संबंध बनाए, ब्लैकमेल कर लिव इन में रहने और पत्नी से तलाक लेने का दबाव भी बनाया। रोहित ने कोर्ट को बताया कि वह युवती से शादी करना चाहता था लेकिन पिता राजी नहीं हुए। रोहित की ओर से कोर्ट में कहा गया है कि अक्टूबर 2020 में फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती युवती से हुई थी। युवती ने उसे दोस्ती का प्रस्ताव भेजा था जिसे रोहित ने स्वीकार कर लिया और जनवरी 2021 से दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। सवाई माधोपुर में पहली बार आपसी सहमति से दोनों के बीच में संबंध बने थे और सवाई माधोपुर से शुरू हुई रिलेशनशिप के दौरान युवती ने उसे कई गिफ्ट भी लिए।
फरवरी 2022 में ब्लैकमेल कर जयपुर में लिविंग का दबाव बनाया गया और इसी के चलते हुए मंत्री के बेटे रोहित फंसते हुए नजर आए।